सो हेलो स्टूडेंट्स, काफ़ी बच्चे जो इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम देने वाले हैं उनका सबसे बड़ा डाउट है, डेट इज़ रिलेटेड टू प्रैक्टिकल। तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप प्रैक्टिकल नहीं दे रहे हैं, छोड़ रहे हैं इस बार, तो क्या होने वाला है। जैसा आप सब जानते हैं, ये कन्फर्म नहीं है कि किन सब्जेक्ट में आपका प्रैक्टिकल होगा, पर जिन सब्जेक्ट्स में भी होगा उसी बारे में बात कर रहा हूँ। अगर होगा आपके तीन में, तो अगर जैसे आपकी फ़ीस कट रही है, तो यानी कि प्रैक्टिकल्स आपके होने वाले हैं। इस बारे में मैं कन्फर्म नहीं हूँ कि पाँचों में होंगे या नहीं। तो अब एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा कि मार्कशीट में हो सकता है कि आपके प्रैक्टिकल के मार्क्स शो ना हो, क्योंकि पिछले साल अगर बात करें हम 2018 की बात करें, तो हिंदी में आपका पहली बार ऐड हुआ था। जैसे इस बार आपका मैथ्स में ऐड हो गया है, इंग्लिश में ऐड हो गया है, उसी तरह 18 में आपका पहली बार हिंदी में ऐड हुआ था। पर उस समय मैथ्स और इंग्लिश में नहीं था, सिर्फ हिंदी में आया था। तो हिंदी में जब आया था तो उसमें आपके प्रैक्टिकल हुआ था और थ्योरी हुई थी इम्प्रूवमेंट वाले बच्चों की। और जब इम्प्रूवमेंट की मार्कशीट आई तो उसमें आपके प्रैक्टिकल के मार्क्स अलग से शो नहीं हुए थे, यानी कि थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों मिला के जो मार्क्स बन रहे थे सिर्फ वही शो कर रखे थे। सिर्फ ब्रैकेट में दिया हुआ था कि विद रिस्पेक्ट टू प्रैक्टिकल, यानी कि प्रैक्टिकल के मार्क्स इसमें इंक्लूड हैं, पर अलग से शो नहीं किया था कि कितने मार्क्स दिए गए प्रैक्टिकल और थ्योरी में। तो हो सकता है इस बारी मार्कशीट में ऐसा आए, और अगर हो सकता है ऐसा ना हो कि प्रैक्टिकल के मार्क्स आपको शो करे जाएं, वो डिपेंड करता है मार्कशीट पे क्या आता है, सीबीएसई क्या डिसाइड करते हैं। तो अब मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, जो बच्चे कह रहे हैं कि अगर हम प्रैक्टिकल छोड़ देंगे तो बेटर मार्क्स ले जाएंगे, तो जैसा आप सब जानते हैं इंप्रूवमेंट में आपके बेटर मार्क्स ले जाते हैं दोनों में से। पर यहाँ पर अगर आप प्रैक्टिकल छोड़ देंगे तो आपके साथ जो दिक्कत यह आएगी कि जो मार्क्स बेटर होंगे वो थ्योरी के ले जाएंगे। मान लीजिए 2019 में आपने थ्योरी का एग्ज़ाम दिया था और आपकी केमिस्ट्री में थ्योरी में 55 मार्क्स थे एंड प्रैक्टिकल में आपको 28 मार्क्स दिए गए थे, तो आपका बैठ रहे थे टोटल 83। तो आपके 83 मार्क्स बैठ रहे थे उस समय। अब आपने फिर से इंप्रूवमेंट एग्ज़ाम दिया है 2020 में, और आपने थ्योरी में इंप्रूव कर लिया अपने आप को, आपने अच्छी तैयारी करी और आपके मार्क्स बढ़ के 65 हो गए थ्योरी में, पहले 55 थे। पर आपने क्या सोचा कि प्रैक्टिकल में मेरे 28 मार्क्स हैं तो मैं प्रैक्टिकल छोड़ देता हूँ क्योंकि बेटर वाले ले जाएंगे तो मेरा 28 आ जाएंगे इसमें। पर ऐसा नहीं होगा, 28 आपके नहीं ले जाएंगे, जीरो लिया जाएगा, क्योंकि आपका जो बेटर होगा वो टोटल में से ले जाएगा। टोटल में आपके यहाँ पे 83 बैठ रहे हैं, यहाँ पे आपके 63 बैठ रहे हैं, जो कंसीडर हो जाएगा वो होगा आपका 83, 63 नहीं होगा। बेटर कौन सा होगा, 83 ले जाएगा आपका। पर अगर आप यहाँ पे प्रैक्टिकल देते हैं और आपके मान लीजिए 28 भी नहीं आए, आपके मान लीजिए 27 ही आ गए या 26 आ गए, तो अगर आप इसमें ऐड करेंगे तो आपके मार्क्स इंक्रीज हो जाएंगे। अगर आप 65 में देखा जाए तो 65 में अगर 26 आप ऐड करें तो ये आपका बैठेंगे 65 + 26 = 91, तो आपके 91 मार्क्स माने जाएंगे। तो आप देख सकते हैं अगर आप प्रैक्टिकल देते हैं तो आपका फ़ायदा होगा, अगर आप प्रैक्टिकल छोड़ देंगे तो आपका नुकसान हो सकता है। इसलिए प्रैक्टिकल को अटैम्प्ट जरूर करना है। देखिए प्रैक्टिकल में आपके एक तो नहीं है कि आपके बिल्कुल काफ़ी मार्क्स कम हो जाएंगे, अगर 30 का प्रैक्टिकल हो रहा है तो जाहिर सी बात है आपके 27 या 26 लिया जाएगा। ये मैं आपको पिछले साल के हिसाब से बता रहा हूँ। वैसे तो प्रैक्टिकल आपको 20 मार्क्स का होने वाला है बाकी सब्जेक्ट में, पर फिजिक्स केमिस्ट्री में आपका 30 मार्क्स का ही होगा। तो अगर आप देते हैं प्रैक्टिकल तो आप कम से कम 26 या 27 भी अगर आ जाते हैं और आप थ्योरी में इंप्रूव कर रहे हैं तो आपका टोटल मार्क्स यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं 91 बैठे हैं, तो आपका 83 नहीं होगा, आपका 91 माना जाएगा। पर अगर आपने प्रैक्टिकल छोड़ दें ये सोचकर कि आपका प्रैक्टिकल में 28 मार्क्स थे और 28 मार्क्स आपके लिए जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा। टोटल मार्क्स लिए जाएंगे, तो टोटल में आपके 83 यहाँ पे अच्छे आ रहे हैं तो 83 को लिया जाएगा। अगर आप देते तो आपके 91 हो जाते हैं। तो इसलिए प्रैक्टिकल को देना ज़रूर है, उसको छोड़ना नहीं है। आई होप आप इस चीज़ से समझ गए होंगे कि प्रैक्टिकल देना कितना ज़रूरी है। अगर आप छोड़ देंगे तो आपके टोटल मार्क्स कम हो जाएंगे, जिस वजह से आपके नुकसान हो सकता है, अगर आप देंगे तो आपको फ़ायदा हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है आपने थ्योरी में कितना इंप्रूव करा। थ्योरी में इंप्रूव करना बहुत ज़रूरी है, और प्रैक्टिकल के आपके फिक्स है कि आपको 27, 26 या 28, 29, 30 मार्क्स मिल सकते हैं, पर थ्योरी में फिक्स नहीं होता। थ्योरी में आप जितनी मेहनत करेंगे उतना चलेगा, तो फोकस थ्योरी में ज़्यादा करना है। जैसे आपने यहाँ पे इसमें इंप्रूव अगर आप देखेंगे तो एग्जांपल में तो 55 65 का इंप्रूव हो रहा है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। तो ये थ्योरी में इंप्रूव करना है, प्रैक्टिकल में ऑलरेडी आपका इंप्रूव हो जाएगा। तो आई होप आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। अगर आपको कभी कोई डाउट आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और कोई नोटिस होता है इन्फॉर्मेशन इस बारे में नेक्स्ट में बात करेंगे। थैंक यू।